नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अभी की लाइफ में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ट्रैक्टर में टॉपलिंग के लिए जो तीन छेद दिए जाते हैं, इसमें टॉपलिंग कहाँ पर लगानी चाहिए और तीनों छेद के क्या क्या यूज़ है। तो देखा जाए तो इसमें एक, दो और तीन, तीन छेद दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे ऊपर अगर हम टॉपलिंग लगाते हैं तो उसका ये रहता है कि वो सेंसिंग ज़्यादा करेगी, मतलब ये पंप दिया हुआ है इसमें सेंसिंग ज़्यादा होगी और इसमें वाइब्रेट ज़्यादा होगा। इस वाली नली में ये डीसी से कनेक्ट होती है, तो इसमें सबसे ऊपर वाले में सेंसिंग सबसे ज़्यादा होती है, बीच वाले छेद में सेंसिंग उससे कम होती है और सबसे नीचे वाले जो छेद है उसमें सबसे कम सेंसिंग होती है, मतलब कम सेंसिंग होती है। और देखा जाए तो हमारा जो एम्प्लीमेंट है, पंजाब लव कल्टीवेटर जो भी है हमारा, वो अगर हम नीचे वाले छेद में लगाएंगे तो वो डीपली तक जाएगा और ऊपर नहीं उठेगा। जैसे कि कभी होता है ऊंची नीचे जगह आ जाती है तो ऊपर उठ जाता है, तो वो ऐसा रहता है कि अगर हम नीचे वाले में लगाते हैं तो वो ऊपर नीचे नहीं होता। और दोस्तों, अगर हम एम्प्लीमेंट की बात करें कि कौन से एम्प्लीमेंट में कौन से वाले छेद में लगाने चाहिए, तो हम सबसे पहले बात करेंगे रोटावेटर की। तो रोटावेटर की बात करते हैं तो इसमें हमको सबसे नीचे वाले छेद में लगाने चाहिए, क्योंकि रोटावेटर एक लेवलिंग का काम करता है तो वो पूरा प्लेन चलना चाहिए। तो इसके लिए रोटावेटर में इसको सबसे नीचे वाले छेद में लगाएंगे टॉपलिंग को। और पंजे की बात करें तो पंजे में बीच वाले छेद में लगाएंगे और कल्टीवेटर में बीच वाले छेद में लगाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।